हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम डॉक्टर अलीशा गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम टेंस का रिव्यू करेंगे। टेंस मशीन को ऑपरेट करने से पहले हम एक जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर टेंस क्या होता है, इसे कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, उसकी क्या वर्किंग है। तो बेसिकली टेंस क्या होता है? टेंस का फुल फॉर्म है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। दिस थेरेपी इन्वॉल्व लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट टू ट्रीट द पेन। ये जो डिवाइस है वो करंट को नर्व के अराउंड नर्व पर डिलीवर करती है और एक जो पेन का सिग्नल है उसको ब्लॉक करती है या फिर उसका परसेप्शन चेंज करती है। टेंस यूनिट जो होती है वो डिवाइस कंसिस्ट करती है जिसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो एक इलेक्ट्रोड के थ्रू हमारे स्किन पर डिलीवर होता है। इसके जो इलेक्ट्रोड्स है वो हम नर्व या नर्व के सराउंडिंग जहाँ पर पेन है या फिर ट्रिगर पॉइंट है वहाँ पर प्लेस करते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, यानी ये हमारी बॉडी में किस तरीके से वर्क करता है। तो इसकी जो वर्किंग है दो थ्योरी पे बेस्ड है। तो जो पहली थ्योरी है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो नर्व पर जाके उसको स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो पेन है वो पेन का जो ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से हमें दर्द नहीं होता। और जो दूसरी थ्योरी है उसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो नर्व को जाके स्टिमुलेट करता है, जिससे इंडोरफिन केमिकल जो कि एक नेचुरल पेन किलिंग केमिकल है उसका लेवल बढ़ जाता है, उसी वजह से जो पेन है वो ब्लॉक हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके इंडिकेशन, यानी हम किस किस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम एक्यूट और क्रोनिक, एक्यूट यानी जो रिसेंट कंडीशन है, क्रोनिक यानी जो लंबे समय से हमें दर्द चले आ रहा है, दोनों कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कंडीशंस। तो पहला है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जो जॉइंट जोड़ों का दर्द होता है उस कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मांसपेशियों का दर्द यानी मसल पेन, टेंडनाइटिस, बर्साइटिस, लोअर बैक पेन, कमर का दर्द, इन सब कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी हमें किन कंडीशन में इसे यूज़ नहीं करना है। तो सबसे पहला है इम्प्लांटेबल डिवाइस, यानी जो पेसमेकर होता है, पेसमेकर जैसे हार्ट में हम पेसमेकर लगाते हैं, उस वो डिवाइस के ख़राब होने के चांसेस है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के केस में नहीं लगाना है। कैंसर यानी मैलिग्नेंसी, इसमें कैंसर बढ़ सकता है। एपिलेप्सी, यदि हम एपिलेप्सी के केस में लगाते हैं तो सीजर यानी मिर्गी के दौरे हो सकते हैं। डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इस केस में क्या होता है क्लॉट जो रहता है उसका डिसलोज होने के चांसेस हो जाते हैं। हार्ट, यदि हार्ट डिसीज है उसमें भी नहीं यूज़ करना है। जो लास्ट है वो ओपन मूड या इन्फेक्शन के केस में भी हमें इसे यूज़ नहीं करना है। और इससे हमें डैमेज स्किन यानी जो हमें कट है या चोट लग गई उस कंडीशन में यूज़ नहीं करना है। फेस पर, आई पर या फ्रंट ऑफ नेक यहाँ पर भी यूज़ नहीं करना है। कोई सेंसरी प्रॉब्लम है, सेंसरी इशू है उस कंडीशन में भी यूज़ नहीं करना है। और द पर्सन विद द मेंटल इम्पेयरमेंट या जिसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है उस कंडीशन में भी हमें इसे यूज़ नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसके इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के बारे में। तो इसे हम पेन यानी जो दर्द वाला हिस्सा है वहाँ पर अप्लाई करते हैं, प्लस ट्रिगर पॉइंट या एक्यूपंचर पॉइंट वहाँ पर अप्लाई करते हैं। और इसका जो प्लेसमेंट है हम क्रॉस्ड, अनक्रॉस्ड, हॉरिजेंटल, वर्टिकल चारों टाइप से हम इसे प्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे टेंस के एप्लीकेशन टेक्निक्स के बारे में। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है कन्वेंशनल और हाई फ्रिक्वेंसी टेंस, सेकेंड जो है एक्यूपंचर और लो फ्रिक्वेंसी टेंस, थर्ड है ब्रीफ इंटेंस टेंस, फोर्थ है बस मोड टेंस और फिफ्थ है मॉड्यूलेटेड टेंस। अब हम बात करते हैं मशीन के बारे में। तो ये कॉम्बो मशीन है जिसमें अल्ट्रासाउंड और टेंस दोनों हैं। ये पोर्टेबल भी है, कन्वीनियंट भी है, इजीली हम उसको हैंडलिंग कर सकते हैं। ये मेनली होम विजिट या क्लिनिकल पर्पज से भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस मशीन के साथ हमें क्या क्या मिला है। जेल, वन पेयर ऑफ वेलक्रो स्ट्रैप, चार इलेक्ट्रोड्स, और दो लीड्स। पावर प्लग। अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जो फ्रिक्वेंसी है वो 2 हर्ट्ज से 250 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये है ड्यूरेशन, इसे हम बढ़ा या घटा सकते हैं। और ये जो इंटेंसिटी नॉब है ये चैनल के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसे यहाँ पर हम लीड्स प्लेस करेंगे। आइए हम इस मशीन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसका स्विच दे के रखा है साइड में, इसे ऑन करना है।
इसके बाद हम अटैच करेंगे लिड्स को। इसके बाद इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए हैं। जब हमें इसे स्किन पर लगाना है तो इस तरीके से जेल को पूरे इलेक्ट्रोड में स्प्रेड करना है। उसके बाद इस तरीके से स्किन पर हम इसे प्लेस करते हैं। और जो इसमें हम इस तरीके से टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख दिया है, यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे और यहाँ से हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया है, मतलब जो इंटेंसिटी है इस चैनल की ऑन हो गई है, प्लस ये वाली चैनल की भी ऑन हो गई है। इस तरीके से हम प्लेस करेंगे, हमको चारों इलेक्ट्रोड हमारे जो पेन एरिया है, जहाँ पर पेन हो रहा है, जो ट्रिगर पॉइंट एरिया है, वहाँ पर प्लेस करना है। और ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें इंटेंसिटी बढ़ाना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो एरिया है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, जिसकी वजह से जो पेन होगा वो कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने इसमें 5 मिनट का जो टाइम सेट किया था, तो उस पर क्या होता है, जैसे हमारा जो ड्यूरेशन ख़त्म हो गया है, जो हमारा जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो एंड हो गया है, तो उसमें एक अलार्मिंग साउंड आता है। इसका मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीट हो चुका है। इस मशीन को हम 10 से 15 मिनट के लिए यूज़ करते हैं। फॉर बेटर रिजल्ट यू कैन यूज़ दिस मशीन फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन मशीन है जिसमें अल्ट्रासाउंड टेंस दोनों हैं। इस वीडियो में बस हमने टेंस के बारे में डिस्कस किया है, और जो अल्ट्रासाउंड का जो वर्किंग है और जो प्रिंसिपल्स है, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, और इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को ताकि आगे और आपको फिजियोथेरेपी रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें।